अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़ के राम राम और नमस्ते भाई। भाई आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक सरपंच एक अपने गांव के लिए किस तरह से अच्छा विकास कर सकता है और भाई किस तरह से अपनी साख बना के रख सकता है जब उसके 5 साल उसका जो पूरा कार्यकाल है वो कंप्लीट हो तो लोग उसको अच्छा सरपंच बताएं और उसकी वाह वाही करें। तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ नियम है और कुछ कानून है जिसके तहत वो काम कर सकता है जिससे उसकी अच्छी वाह वाही हो। तो मैं उस वो जो जितने भी रूल है उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से किन नियमों के तहत वो ये काम कर सकता है। जैसे सबसे पहला नियम जो है मैं वो आपको बताऊंगा, सबसे पहला नियम है कृषि संबंधित। कृषि में जैसे भाई अगर ज़मीन उपजाऊ नहीं है किसी की भी, किसी किसान की अगर ज़मीन उपजाऊ नहीं है तो एक सरपंच उसकी मदद कर सकता है और वो कृषि विभाग से मिलकर उस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो भी कार्य हैं वो कंप्लीट सारे कार्य वो सरपंच कर सकता है और वो ज़मीन उपजाऊ हो सकती है। और भाई भूमि विकास जैसे चकबंदी करवा सकता है भाई, किसान को जैसे भाई अच्छे उपकरण दिलवा सकता है भाई, अच्छे उपकरणों के ऊपर लोन दिलवा सकता है भाई। बहुत सारे काम एक सरपंच के हित में होते हैं जो सरपंच करना चाहो, अगर अपने गांव के किसानों की मदद करना चाहो है तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है एक सरपंच के लिए। लघु सिंचाई के भी उपकरण आप अपने किसान साथियों को अपने भाइयों को दिलवा सकते हो और जैसे डिग्गी बनवाना है गाँव में, जैसे जोड़, जैसे कुएं, ये सब जल प्रबंधन के जो कार्यकर सारे काम हैं ये भी एक सरपंच के हित में आते हैं, ये भी एक सरपंच कर सकता है अपने गांव के विकास के लिए। उसके बाद है भाई जैसे पशुपालन, पशुपालन के लिए पशुओं के लिए भाई लोन दिलवाना। अगर किसी किसान का इतना ब्योत नहीं है भाई, अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पशु खरीद सके तो एक सरपंच से मिलकर वो लोन ले सके है और भाई पशु खरीद सके है और भाई जैसे एक लघु व्यापार शुरू कर सके है पशुपालन का। और भाई जैसे पशुओं के कैंप लगवा सकता है डॉक्टर, एक डॉक्टर से मिलके वो पशुओं के कैंप भी लगवा सकता है जिसमें अच्छे डॉक्टर बुला के वो कैंप लगवा हुआ है, लोगों को पशुओं की जानकारी दे हो भाई पशु बीमार नहीं हुए हैं, वो सावधानी बरते हैं, तो इस तरह की मदद कर सकता है। जैसे गांव में भाई बहुत सारी बीमारियां पशुओं में आती हैं तो उनके टीकाकरण करवा हुआ उच्च अधिकारियों से मिलकर डॉक्टर की टीम से मिलकर ये भी एक सरपंच के हित में आओ और एक सरपंच ये कार्य भी करवा सके है। इसके बाद है जैसे मछली पालन, जैसे गांव के तालाब में जोड़ में अगर एक सरपंच मछली पालन करता है, अब किसी ठेकेदार से मिल के उस जोड़ के मछली पालन करवाता है तो ये भी सरपंच के हित में आता है, इससे उस पैसे को गांव के विकास में लगा सकता है, पंचायती तौर तरीके से उस पैसे को खर्च कर सकता है। इसके बाद है भाई सामाजिक वानिकी, जैसे बच्चों को फार्म भरने की भाई, युवा लड़कों को फार्मों के बारे में जानकारी देना, उनको अच्छे से समझाना भाई इस तरह के फार्म निकलेंगे, गवर्नमेंट की स्कीमें उनको उन तक पहुँचाना, ये जिससे भाई और भी तरह तरह की आमदनी के उनको स्रोत बताना, ये भी एक सरपंच के हित में है। जो सरकार से जानकारी लेकर अपने गांव में जो युवा बच्चे हैं बेरोजगार बच्चे हैं उनको अगर इस तरह की जानकारी दे तो ये भी एक सरपंच के हित में है। इसके बाद है भाई लघु वन उद्योग, जैसे वन से होने वाली उपज, जैसे भाई जो सरकारी ज़मीन है उसमें पेड़ पौधे लगवाना, उनको उनकी जो कमाई आ है आप उसको भी सरकारी काम में लगा सकते हो, आप अपने पंचायती काम में लगा सकते हो। जैसे वन में भाई बाग लगाना, अमरूद के बाग लगाना, जामुन लगाना या बहुत सारे इस तरह के काम अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब इसके बाद है भाई लघु उद्योग, अगर आप अपने गांव वालों को अपने साथियों को अगर एक अच्छा सरपंच होने के नाते अगर उनका लघु उद्योग लगवाओ, उनको लघु उद्योग के लिए लोन दिलवाओ, जैसे भाई नमकीन की फैक्ट्री लगवानी है या भाई माचिस की फैक्ट्री छोटा सा उद्योग चालू करवाना है किसी का भाई, जैसे साबुन की है, डिटर्जेंट पाउडर की है, इस तरह के लघु उद्योग के लिए भी अगर आप अपने गांव वालों को लोन दिलाओगे तो ये भी आपके हित में है और इससे भी आप गांव वालों का प्यार प्रेम लूट सकते हो और आपको वाह वाही मिल सकती है। खादी और कुटीर उद्योग, सरकार से बात करके
जैसे वो कताई की मशीन गांव में लगवाना और उसको शहर में अच्छे दामों पर बेचना, ये इस तरह के अगर काम अगर आप करोगे गांव में, अगर आप माल कच्चा माल तैयार करके शहर में व्यापारियों को अगर आप बेचोगे, अगर आप गांव वालों को इस तरह से प्रोत्साहित करोगे तो ये भी आपके हित में है और इससे भी आप लोगों का, आप गाँव का भला कर सकते हो। ग्रामीण आवास, जैसे भाई ग्रामीण आवास का जो जकरा आया, इसमें आप जैसे भाई गरीब परिवारों के मकान बनवाना, बीपीएल परिवारों के मकान बनवाना, एससी बीसी बीपीएल इन सबको आप मकान बनवा के दोगे सरकारी स्कीम के तहत, तो ये भी आपके हित में रहेगा और आप इससे भी लोगों का प्यार प्रेम और वाह वाही लूट सकते हो। पेयजल, जैसे वह स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवाना, साफ सुथरा पानी, पीने का पानी लोगों के घरों तक पहुंचाना, अगर आप इस तरह से अगर लोगों की मदद करोगे, पानी के ऊपर घर घर पानी पहुंचाओगे और जो अपना डेली यूज का पानी है अगर उसकी जैसे वह डिग्गी के पानी की अच्छी व्यवस्था अगर आप गांव में कराओगे, पीने का स्वच्छ जल आप गाँव तक पहुँचाओगे, तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे ईंधन और चारा, जैसे भाई गाँव में हर बार जब भी पराली का जकरा आता है तो सरकार की तरफ से रूल्स लग जाते हैं भाई के भाई पराली जलाते हैं, बहुत सारे किसानों के ऊपर केस भी लगे हैं इसके ऊपर, तो आप उस पराली का सदुपयोग कर सकते हो, आप उस पराली को कटवा के उसको चारा मंडी में बेच सकते हो, गांव वालों को आप मतलब प्रोत्साहित कर सकते हो भाई इस तरह से इसको जलाओ मत, इस पराली को इस ईंधन को आप काट के चारे के लिए भी बेच सकते हो, और साथ के साथ जैसे भाई चारे में भी नहीं जावे अगर पराली थोड़ी सी खराब है और उसकी मतलब भाई चारे के लिए उपलब्ध नहीं, तो उसको काट के आप जैसे भट्ठों पे देना है इस तरह का काम भी करोगे तो भी आपके हित में रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। सड़क और गलियां बनवाना, सड़क बनवाना, गलियां बनवाना, पुलियां बनवाना, नाली बनवाना, जो खेतों में रहते हैं, जो ढाणियों में रहते हैं उनके लिए अच्छे रास्तों की व्यवस्था करवाना, बढ़िया रास्ते बनवाना, पक्के रास्ते बनवाना, ये भी एक सरपंच के हित में है। अब आ गया भाई बिजली, जैसे बिजली एक बहुत गंभीर समस्या है गांव में, गांव में बिजली बहुत कम आती है और आती भी है तो फुल पावर की नहीं आती है, कभी बहुत ज़्यादा पावर की आ जाती है, तो आप बड़े अधिकारियों से मिलकर, बिजली बोर्ड से मिलकर, एसबीओ से मिलकर, एसडीओ से मिलकर आप अच्छी बिजली की व्यवस्था करवा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में बिजली रहे, लोगों को बिल भरने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हो और गाँव में जागृति ला सकते हो, और अगर आपके गांव में अच्छी बिजली की आपूर्ति रहेगी, लाइट ज़्यादा से ज़्यादा आओगी, तो जैसे जो लघु उद्योग हैं, पशुपालन है या खेतों में सिंचाई के काम में, इससे काफ़ी मदद मिलेगी और जिससे गांव उन्नति करेगा। अब आ गया अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का मतलब है जैसे भाई जैसे गाँव में आप सौर ऊर्जा का प्रयोग कराओ, आप सोलर लाइटें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करवाओ, ट्यूबवेल के लिए आप सोलर प्लेट्स लगवाओ, आप लोगों के छतों में घरों में सोलर प्लेट्स की व्यवस्था कराओ, सरकार से उसकी उनको लोन दिलाओ इसके ऊपर, या उनको जो स्कीम है उस स्कीम के तहत छूट दिलवा के, कुछ बेनिफिट दिलवा के आप अगर आगे आएँ तो ये भी आपकी वाहवाही का कारण रहेगा। शिक्षा जो सबसे मेन कड़ी है वो है शिक्षा, अगर आप शिक्षा के लिए काम करेंगे, गांव के स्कूल में जाओगे, गांव के स्कूल का जो सरकारी स्कूल है उसका ख्याल करोगे, सुबह शाम आप स्कूल में अपने किसी खास आदमी की ड्यूटी लगाओगे, एक या दो दिन में गांव के लिए स्पेशल आप समय निकाल के स्कूल में जाओगे, तो शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी ऊपर जाओगा। शिक्षा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, और मान लीजिए अगर आप आपके पास समय नहीं है, एक सरपंच के पास भाई बहुत सारे और भी काम हो, तो आपने एक कमेटी बना देनी चाहिए स्कूल के लिए, सरकारी स्कूल में जाकर उसकी पूरी व्यवस्था चेक करी जावे, टीचर टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, टीचर सही तरह से पढ़ा रहे हैं, या स्कूल में पानी की बिजली की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग डैमेज तो नहीं होगी है, बहुत सारी बातें हैं जो एक सरपंच करवे और गाँव के स्कूल के केयर करे, शिक्षा पर ध्यान देवे, तो शायद उस गांव का विकास कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी कड़ी है। और गांव के जो पीछे हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो काफ़ी, जैसे भाई आपने पता है बहुत सारे बुज़ुर्ग तो स्कूल में ही नहीं गए, उनको अपना नाम तक नहीं लिखना आता, लेकिन आज अनपढ़ का ज़माना नहीं है भाई, अगर एक सरपंच आगे आके अपने गाँव के स्कूल के लिए काम करे, अपने भाईचारे के लिए काम करे, तो उससे अच्छा और उससे बेस्ट सरपंच
मैं नहीं मानता कि कोई और होगा। और जैसे भाई प्रौढ़ शिक्षा है भाई, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल में नहीं गई हैं, जो हमारी दादी हैं, माताएं हैं, काकी ताई हैं, काके ताऊ पारिवारिक में जो हैं स्कूल में नहीं गई। अगर तो हम एक सरपंच अगर कोशिश करके प्रौढ़ शिक्षा का सिस्टम दोबारा से गाँव में स्टार्ट करें तो उनको भी थोड़ी घनी पढ़ाई लिखाई आ जावे, जिससे शिक्षा का स्तर थोड़ा उठ जावे, वो भी अपने बच्चों का अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकें। अगर एक गाँव में एक अच्छा पुस्तकालय हो, एक लाइब्रेरी हो, तो हमारे गांव के युवाओं को या हमारी बहनों को किसी बाहर शहर में जाके, सिटी में जाके, लाइब्रेरी में जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि गांव में उसको वो सभी किताबें, वो बुक्स वहीं उपलब्ध होंगी, तो वो बाहर क्यों जाएंगे। और वो अपने गांव की लाइब्रेरी में बैठ के समय निकाल के जितना समय उनको शहर में जाने का लगता है, उतने समय में वो गांव में लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी किताबें, जनरल नॉलेज की किताबें, सभी तरह की किताबें अगर एक पुस्तकालय में हों और वो गाँव में हो, तो इससे बेहतर कोई सुविधा नहीं हो सकती। एक सरपंच को गांव में एक पुस्तकालय जरूर बनवाना चाहिए और उसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। ये भी एक सराहनीय कार्य होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एक सरपंच अगर इसको विचार करके चला है कि भाई मैं गाँव में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाऊंगा, जैसे पहले सांग होया करते, पहले भजन होया करते, रामलीला, बड़े मतलब इस तरह के मनोरंजन के साधन होया करते। पहले हम सांग सुन के हमारे बुजुर्ग मनोरंजन कराया करते, उनमें अच्छी शिक्षा होया करती, अच्छे भजन कीर्तन होया करते, उनमें अच्छी शिक्षा होया करती, और गांव के युवा कलाकारी की तरफ बढ़िया करते, वो भी रंगमंच की तरफ जाया करते। जैसे हमारे हरियाणा से भाई अपने बड़े बेहतरीन कलाकार निकल के आए हैं, गाने निकाल रहे हैं, डीजे सॉन्ग निकाल रहे हैं, रागनिया जैसे भाई गाते हैं, या बॉलीवुड तक जैसे रणदीप हुड्डा गए हैं, तो इस तरह से अगर उनको भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ भी अगर वो प्रोत्साहन करे, भाई ये काम भी करो, तो वो भी एक सरपंच की बड़ी उपलब्धि होगी। गांव में उसको भी सांस्कृतिक प्रोग्राम कराते रहना चाहिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता, अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान करेंगे, आप गांव के जो अपने गांव का अस्पताल है, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, अगर वहाँ का आप ध्यान करेंगे, वहाँ जाओगे, वहाँ पे जाके ये देखोगे भाई डॉक्टर टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा, डॉक्टर आ रहा है तो वो क्या कैसा काम कर रहा है, नर्स टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है, हॉस्पिटल में दवाइयाँ कंप्लीट हैं या नहीं है, हॉस्पिटल में बेड सुविधा है या नहीं है, या भाई हॉस्पिटल के जो बाकी जो सदस्य हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो गांव के पेशेंट वहां जाते हैं दवाई लेने के लिए उनको प्रॉपर दवाई मिल रही है नहीं मिल रही है, ये पूरी जानकारी अगर एक सरपंच रखेगा और अपने हॉस्पिटल का ख्याल रखेगा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखेगा, तो ये भी उसके लिए एक बड़ी भारी उपलब्धि होगी। और साथ में जैसे आ गया भाई स्वच्छता, अगर गांव में साफ सफाई होगी, बाहर का भी कोई गांव में आकर देखेगा, साफ सफाई जमा चकाचक चमचमाता गांव मिलेगा, तो बाहर जाकर भी सरपंच की भी वाह वाही होगी और गांव वाले भी कहेंगे भाई बहुत बढ़िया काम कर रखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सफाई और स्वच्छता दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी है एक सरपंच के लिए। परिवार कल्याण योजना भी एक अहम कड़ी है, अगर एक सरपंच ध्यान रखा है कि भाई इस परिवार का 2 या 3 लड़कियां ऑलरेडी हो गई हैं, अब भी लड़के के लिए ये मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो उनको समझाओ कि भाई आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां किसी लड़के से कम नहीं है। हमारी बहन साक्षी मलिक ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला के दिया है, विनेश फोगाट जैसी हमारी बहनें, गीता बबीता जैसी हमारी बहनें, पीवी सिंधु जैसी हमारी बहनें, साइना नेहवाल जैसी हमारी बहनों ने हमारा नाम रोशन कर दिया, साथ के साथ जैसे कल्पना चावला इतना बड़ा नाम, तो आज हमारी बहनें भी किसी से कम नहीं है। अगर परिवार कल्याण योजना की तरफ एक सरपंच ध्यान दे और लोगों को समझाए कि भाई 1 या 2 बच्चे काफ़ी हैं, और अगर इस तरह से ध्यान करेगा तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि एक सरपंच के लिए होगी। महिला बाल विकास कल्याण भी एक सरपंच के लिए एक बड़ी चुनौती है, अगर एक सरपंच जैसे भाई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका पूरा डाटा अगर उसमें जैसे भाई जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाके लेवे,
कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, किन को कितने टिक्के लग रहे हैं, टिक्के लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, सही टाइम पर A&M J&M गांव में आ रही है नहीं आ रही हैं, शिशु जो होते हैं उनको टाइम टू टाइम इंजेक्शन लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, हर तरह के इंजेक्शन जैसे भी होते हैं महीना एक महीने के बाद दो महीने के बाद वो सभी शिशुओं को अच्छे से लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, गाँव में पोलियो वाले हैं या और बहुत सारे बीमारियों की जो दवाइयाँ देने वाले आते हैं वो कम्प्लीट टाइम पर दी जा रही है नहीं दी जा रही हैं, ये भी एक सरपंच का कर्तव्य बनाया है। और इस तरह से अगर सरपंच अगर ध्यान करेगा तो महिला बाल विकास कल्याण पर भी अगर एक सरपंच का पूरा ध्यान होगा, पूरे केंद्रित करके उस पर ध्यान देगा तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। समाज कल्याण के लिए भी अगर एक सरपंच ध्यान करेगा, जैसे भाई गांव में विकलांग कितने हैं, उन विकलांगों की पेंशन टाइम पे मिल रही है नहीं मिल रही है, उनकी पेंशन हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई है तो क्या कारण रह गया, क्यों नहीं हुई, उनकी कितने कागज कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो कंप्लीट कराने का काम भी सरपंच साहब का हुआ है। और जैसे भाई उस विकलांग को जिससे अच्छे से चला नहीं जाता तो उसको रिक्शा या उसके जो साधन होते हैं वो टाइम पर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, सरकार की तरफ से वो अगर दिलवा हुआ मानसिक रोगियों को अच्छे हॉस्पिटल में उनकी जांच करवा हुआ अच्छे हॉस्पिटल में तक उस परिवार को जानकारी दे, आप उस हॉस्पिटल में लेके जाओ और उनकी भी पेंशन मानसिक रोगियों की भी पेंशन बनी या नहीं बनी, और गाँव में कितने बुजुर्ग जैसे भाई जिनको ये जो पेंशन के लायक हो गए उनकी एज पेंशन की होगी है, क्यों उनको पेंशन नहीं मिल रही या भाई किस कारण से वो विधवा पेंशन क्यों नहीं मिल रही, या ये सब अगर जानकारियां समाज कल्याण के लिए एक सरपंच रखा है तो ये भी उसके लिए। दलित वर्ग के लिए जैसे भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC वर्ग, BC वर्ग, अगर इनके लिए अगर आप काम करोगे, इनके टाइम पे मकान बनवाने हैं, इन गरीबों की सहायता करवानी है, या किसी घर में आपको ये लगता है कि भाई काफ़ी गरीब परिवार है और सामाजिक तौर पर अगर आप उसको जाके देखोगे, उसकी फाइनेंशियली मदद करवाओगे गवर्नमेंट से, उसको वजह से मशीनें दिलवाना है किसी टाइप की, सिलाई मशीन दिलवाना है, या भाई उसके घर में टॉयलेट नहीं है, लेटरिन नहीं है तो उसकी व्यवस्था करवानी है, अगर किसी के घर में, किसी गरीब के घर में टॉयलेट नहीं है उसके घर में, और जैसे गैस चूल्हा नहीं है, या इस तरह के जो साधन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराओ है उन अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए, अगर आप ये सब भी करोगे तो ये भी आपके हित में बहुत बढ़िया रहेगा। सार्वजनिक और वितरण प्रणाली में आव है भाई, जैसे गांव में डिपो वाला है उसका पूरा ध्यान रखा जावे कि जो राशन जो आता है एक डिपो में वो उसको प्रॉपर बांट रहा है या नहीं बांट रहा, वो कितने परसेंट राशन बांट रहा है, बांट नहीं रहा तो क्यों नहीं बांट रहा, क्या क्या राशन डिपो में आव है, क्या क्या वो वितरण कर रहा है, कितने परसेंट वितरण कर रहा है, और किन के राशन कार्ड येल्लो होने चाहिए, पीले होने चाहिए, किन के गुलाबी होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि भाई जैसे ज़रूरतमंद हो गए तो गुलाबी और पीले कार्ड होते नहीं, और जिनको जो सर्वगुण संपन्न है वो पीले कार्ड ले बैठे हैं, गुलाबी कार्ड ले बैठे हैं। सामाजिक वितरण प्रणाली में यही आता है कि आप अपनी जांच करो, आप अपने तरीके से देखो सारा सिस्टम सही चल रहा है, किसको ज़रूरत है किसको नहीं ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है उसको ही मिलना चाहिए, ये काम भी एक सरपंच के हित में आता है। सामुदायिक आस्तियों का अनुसरण, जैसे भाई गांव में कोई पुरानी बिल्डिंग है, सरकारी कोई पुरानी बिल्डिंग है, कोई अच्छा पुराना कुआं है, जैसे भाई कोई पुराना मंदिर है, कोई पुरानी गांव में बावड़ी है, तो सरकार से मिलके उसकी अच्छे से केयर करना, उसको उसकी टाइम पे मरम्मत करवाना, उसको उसका डेंटिंग पेंटिंग, उसकी रंग रोगन जो है वो कंप्लीट एक सरपंच का हित में आव है, जिससे वो गांव की एक ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं भाई, गांव में कोई आव है और उस चीज़ को देखा है, उसको गांव में उस चीज़ को देखने से उसको अच्छा लगे, भाई बड़ा सुंदर गांव है, आज तक पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को संभाल के रखे हुए हैं, संग्रह करके रखे हुए हैं, ये भी एक सरपंच के हित में आव है, और ये भी गाँव में एक सुंदरता बनाए रखने के लिए एक सरपंच अच्छा काम करेगा तो वो उसको भी वाह वाही पक्की मिलेगी, क्योंकि सरपंच एक अकेला होता है, उसके साथ उसके गांव के पंच जो होते हैं, पंच जो उसके साथी होते हैं, उनका भी काम सरपंच के साथ चलकर काम करना होता है, तो एक सरपंच अपनी टीम को इकट्ठा करके एक कमेटी बना के या पंचों के अलावा भी गांव में से जो सही आदमी हैं, जो गांव की केयर करते हैं, जो गांव का भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, उन सबको मिला के एक कमेटी बनाई जावे, अलग अलग जगह पर उनको
ध्यान करने के लिए बोला जावे कि भाई आपने स्कूल का ध्यान रखना है, आपने हॉस्पिटल का ध्यान करना है, आपने बिजली वगैरह का ध्यान करना है, आपने डिपो वाले का ध्यान करना है, प्रॉपर से एक कमेटी बनाकर अगर एक सरपंच चलेगा तो कद्दे मार नहीं खाओगा, हमेशा सफल रहेगा। और उस कमेटी के साथ जो भाईचारा उस सरपंच का होना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के सबकी समस्याएं सुने, वो अच्छे से पूछे, और सारे इस कमेटी ने भी किसी ने मतलब भाई एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक सरपंच की मदद करनी चाहिए। और अगर एक सरपंच अच्छे प्रयास करेगा तो कमेटी भी उसके साथ ऑटोमेटिक मिलकर चलेगी। सर्वजातीय भाईचारा, क्योंकि गाँव भाईचारे की मिसाल है। गांव में 36 जात का भाईचारा होता है। किसी कारण से, किसी एक ऐसे सामाजिक तत्व के कारण से गांव का भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। एक सरपंच अगर प्रयास करे सारी सर्व जातियों को साथ लेकर चल रहा है, सबका भाईचारा बनाए रखे, सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का मतलब मदद करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे के काम आवें, और अगर एक सरपंच इस चीज़ का भी ध्यान करे, जात पात में गांव को ना बांट के, जात पात से दूर हटके गांव का भाईचारा बनाए रखे, ये भी एक सरपंच के हित के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कई बातें मैंने आपको बताई, आपने मेरी नई नई वीडियो है इस बारे में, तो अगर कोई गलती होगी हो तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँ, और कमेंट करके बता दियो कि भाई ये गलत कुछ निकला है मेरे मुंह से, भैया मैंने ये वर्ड गलत बोल दिया है, तो अगली वीडियो में मैं इस तरह की कोई गलती नहीं करूंगा, उसको सुधार के लूंगा, और भाई हाथ जोड़ के गलती मानूंगा भैया दें। और भाई जैसा मेरे विचार थे, जैसे मैंने थोड़ा सा स्टडी करी थी, पढ़ी थी, वो सब मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। एक सरपंच के हितों के बारे में बताए हैं, जो एक गांव में अच्छा काम करके भाईचारा बना सकता है और वाह वाह लूट सकता है, कई सालों तक उसका नाम इतिहास में लिखा जा सकता है, हमेशा उसको याद किया जा सकता है, भाई एक सरपंच आया था फलाना और उसने गांव के लिए इतना अच्छा काम कराया था। तो ये इसी के चारों तरफ घुमा के एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो हमने बनाई थी। भाई को गलती हो जाए तो माफ़ कर दियो। सारे भैया ने भाई हाथ जोड़ कर राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।